बच्चों अब हम प्रश्नावली 2.2 पर बात करते हैं। इसका पहला सवाल है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। मैं इसका एक सवाल कर देता हूं, इसमें दो पहले सवाल के दो पार्ट हैं, ए और बी। मैं ए वाला कर देता हूं, ठीक है। आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या करना है, इसे जोड़ना है, योग करना है। 837 प्लस 208 प्लस 363, ठीक है। तो अगर हम इन गौर से देखें तो 37 और 63 मिलकर के कितने हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं। तो इन दोनों को हम पास ले आएंगे, ठीक है। 837 प्लस 363 जमा 208, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था क्रम विनिमयता नियम, यानी जोड़ने में हम संख्याओं का क्रम बदल सकते हैं, उसके योग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जोड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि हमने यहां पर करा है। हम 363 837 के पास गए हैं, ठीक है। अब देखिए 63 और 37 कितने हो जाएंगे, 100, और ये 800 और 311 कितना हो जाएगा, इसे हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 1200 आ जाएगा, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का योग, और इसमें 208 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, हम जोड़ देंगे तो कि हमारा 1408। इस प्रकार से टोटल, इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल करेंगे, ये मैंने आपके लिए छोड़ा, आप अपने आप करेंगे, ठीक है। इसमें भी ध्यान से देखेंगे आप कि कौन कौन संख्या को मिलकर जो है 100 में परिवर्तित हो रही है, उनका टोटल योग आ रहा है, और फिर आप सवाल को करेंगे। अब हम दूसरे सवाल पर बात, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब हमें इनमें गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें ये सवाल नंबर 2 है, इसके 6 पार्ट हैं, ए बी सी डी ई एफ। मैं एक करके दिखा देता हूं, उसी प्रकार से होंगे, ठीक है। जैसे मैं एफ वाला कर देता हूं। अब आप देखिए इसमें भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे ये क्या है, 125 की 40 से गुणा करें, फिर जो गुणनफल आए उसकी 8 से, फिर उनकी जो गुणा है 25 से, तो हमारी गुणा क्या हो जाएगी, लंबी। हमें से जल्दी करना है, शॉर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 125 को हम 8 के साथ गुणा करेंगे, 125 गुणा 8, ऊपर लिखा दिया, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल क्या, उपयुक्त क्रम में हमें लगाना है, ठीक है। और ये हमारा 25 है, और इसके साथ हम 40 की गुणा करते हैं, ठीक है। 125 8, यानी 125 की 8 से हम गुणा करेंगे तो कितना आता है, 1000 आता है, ठीक है। और 25 की हम 40 से गुणा करेंगे, 25 चौका 100, 100 ये आ गया, 10 हमारा ये था, ये ठीक है, 1000 हमारा ये आ गया, 1000 हमारा ये आ गया, 1000 की 1000 से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10000, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10000, लाख 10, कितना आ गया, 10 लाख। इसी प्रकार से आप जो बाकी हैं ए बी सी डी ई ये आप अपने आप करके देखेंगे, ठीक है। अब तीसरे प्रश्न पर बात करें।